नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल दीपक। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फेसबुक पे सजेशन क्यों आते हैं, क्या कारण है फेसबुक पे सजेशन आने का। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे क्या क्या रीजन होता है फेसबुक पे सजेशन आने का। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं वीडियो हमारे फेसबुक पे सजेशन कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर तीन टाइप के सजेशन होते हैं। सबसे पहला सजेशन है कि मैच्योर सजेशन, जो हमारे फ्रेंड है, और जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं हूँ, मेरा फेसबुक अकाउंट है और मेरा एक फ्रेंड है राजा, तो हम दोनों फ्रेंड है फेसबुक पे। और कोई तीसरा फ्रेंड है, वो फ्रेंड है राजू का, वो एड है राजू में, वो मेरा फ्रेंड नहीं है, तो फेसबुक मुझे रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा कि आप उसे ऐड करो, तो उसे कहते हैं मैच्योर सजेशन, जो कि मुझे शो करेगा कि राजू इसका मैच्योर फ्रेंड है तो हमें भी यहाँ पर उसका ऐड होना चाहिए, यह फेसबुक हमें सजेस्ट करता है। फेसबुक एक एल्गोरिथम बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पर एल्गोरिथम द्वारा हमें डिसाइड कराया जाता है। दो फेसबुक का मेन मकसद क्या होता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट करना, चैटिंग करना और अपने वीडियो फोटो शेयरिंग वेबसाइट है जहाँ पर हम अपने फोटो वीडियो शेयर कर सकते हैं, फीलिंग शेयर कर सकते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर चैट कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, ये काम है फेसबुक का। तो ये फेसबुक हमें सजेस्ट करता है कि आप दोनों फ्रेंड हो तो आप भी फ्रेंड बन जाओ, ये हुआ मैच्योर सजेशन। सेकंड टाइप का सजेशन जिसे हम नहीं जानते हैं और ना ही वो हमारे मैच्योर फ्रेंड में ऐड है, ये क्यों आता है, ये फेसबुक हमें सजेस्ट करता है कि आपने फेसबुक में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, लाइक जिस आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपने फेसबुक को प्रोवाइड की है, तो फेसबुक आपको सजेस्ट करेगा कि इस जगह पर ये पर्सन है, इससे आप फ्रेंड बन जाओ, इससे ये फेसबुक सेकंड सजेशन करता है, अनोन सजेशन जिसे कहते हैं कि हम उसे जानते नहीं है, फिर भी फेसबुक हमें सजेस्ट कर देता है, ये होता है। दूसरा बात कि अगर फेसबुक ऐप यूज कर रहे हैं तो फेसबुक ऐप में आपसे परमिशन मांगी जाती है 6-7, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहला होता है यहाँ पर डिवाइस की परमिशन, लोकेशन परमिशन, यहाँ पर SMS की परमिशन, और आपकी जो लोकेशन है जिस एरिया में वो परमिशन तो गारंटी मांगते ही है, क्योंकि फेसबुक को सजेस्ट करना होता है कि इस एरिया में इतने लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं और आप भी इनसे ऐड हो सकते हैं, तो ये होता है लोकेशन के थ्रू जो कि सजेस्ट किया जाता है, फेसबुक सजेस्ट करता है। दूसरा बात कि आपने देखा होगा कि जब कोई न्यू आईडी बनाता है हमारे मतलब एरिया में, कोई न्यू आईडी बनाता है तो फेसबुक हमें तुरंत सजेस्ट करता है कि इसने नया अकाउंट बनाया है, आप इसे सजेस्ट हो जाओ, ये काम करता है। आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी मतलब कॉन्टेक्ट आप फेसबुक ऐप है वो कॉन्टेक्ट से लिंक हो गया, मतलब परमिशन ली हुई है, तो आपके कॉन्टेक्ट में जिसने फेसबुक आईडी बनाई है वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि इसने न्यू आईडी क्रिएट कर ली है, आप भी इसमें ऐड हो जाओ। तीसरा यहाँ पर सजेशन का कारण है कि आपके जो फ्रेंड है, आपके कोई भी अनोन फ्रेंड है जो आपकी बार बार आपकी प्रोफाइल को वॉच करता है, जिसके कारण फेसबुक को लगता है कि ये दोनों पहचान वाले हैं और आपको सजेशन भेजता है फेसबुक, ये फेसबुक का सजेशन है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे कनेक्ट होते हैं, आप उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर वो भेजते हैं तो आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या बात की बात है, लेकिन फेसबुक एक एल्गोरिथम बेस्ड वेबसाइट है जो कि एल्गोरिथम पे काम करता है, यही आपको इस वीडियो में बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पर नया आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।